नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता भी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वार्ड नंबर 16 जाखू में कांग्रेस उम्मीदवार अतुल गौतम के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने जहां नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया, वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में गारंटियां दी हैं, वो 5 साल में पूरी होगी। अभी तो सरकार बने 4 महीने ही हुए हैं, अभी ओपीएस लागू किया गया है और साथ ही महिलाओं के लिए जो आर्थिक गारंटी की बात की गई थी, वह भी शीघ्र ही जारी की जाएगी और उसी तरह से बाकी जो गारंटियां हैं, वह भी 5 सालों के अंदर पूरी कर दी जाएंगी। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि नगर निगम चुनाव में जो भी कांग्रेस का संकल्प पत्र लाया जाएगा, साथ ही अपने अपने क्षेत्र को लेकर जनता की जो समस्याएं हैं, उन्हें भी इस संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। सुनिए और क्या बोली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। हम कांग्रेस की कॉर्पोरेशन को जीतकर कांग्रेस का परचम लहराएंगे और अवश्य इसमें जीत हासिल करेंगे। भाजपा को जब कुछ कहने को नहीं मिलता तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये गारंटियां वो गारंटियां हैं जो 5 साल में पूरी होगी। अभी तो हमारे को 3-4 महीने हुए हैं सरकार बनाकर। अभी हमने ओपीएस लागू किया है, महिलाओं के लिए जो आर्थिक हमने एक गारंटी की बात की थी वो हम शीघ्र करने जा रहे हैं और उसी तरह से जो बाकी गारंटीज है दैट ऑल्सो ड्यूरिंग 5 ईयर्स वील कम्प्लीट एंड हैंड ओवर कीजिए। हमने ये कहा था, ये करके दिया। अब 3-4 महीने में वो सारी बातें पूरी हो तो ये तो बड़ी असंभव सी बात है। और उसी तरह से इस इलेक्शन में भी जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है उसमें भी मैनिफेस्टो में हमने वो बातें कही है जो लोगों को हमें लगता है कि हम उन बातों को कर पाएंगे। और जो लोगों ने अपने 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 क्षेत्र की डिफिकल्टीज हमारे सामने रखी है उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि ये पॉसिबल है, इसको कर पाएंगे, तो वो बातें हमने मैनिफेस्टो में डाली है। बहुत निराशजनक। कांग्रेस की सरकार रही तो कितने काम हुए वो सर्वविदित है, सब जानते हैं। उसके बाद लोगों ने भाजपा को मौका दिया, भाजपा की सरकार बनी। आप मुझे बताएं कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ, कौन सी उन्होंने ऐसी बड़ी इमारत खड़ी कर दी कि जिसको कह सके कि जी ये इनकी देन है। आप जो भी आप हिमाचल प्रदेश में काम देख रहे हैं वो पूर्व की कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किए गए। यहाँ शिमला की अगर मैं बात करूँ, आप देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल चमयाना में कांग्रेस की सरकार ने बनाया। ये IGMC का जो एक्सटेंशन हुआ वो उन्होंने किया। या गंडल में कितना बड़ा लॉ यूनिवर्सिटी बनी वो कांग्रेस की सरकार की देन है। उसी तरह से अन्य कार्य में कितने काम आपको गिनूं जो कांग्रेस की सरकार की वजह से हुए हैं, चाहे कॉलेजेस है, चाहे स्कूल है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे सड़कें हैं, ये सारे के सारे काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए। और जब अभी 5 साल बीते तो अब ये बोलने को है इनके पास कि कोरोना का समय था, हम ज़्यादा काम नहीं कर सके, पर फिर भी चाहे इन्होंने एयरपोर्ट की बात की, चाहे इन्होंने बड़े बड़े नामों को लिया कि हम ये करके देंगे। जिस एयरपोर्ट की बात भाजपा की सरकार ने कही कि हम एयरपोर्ट बनाकर आपको मंडी में देंगे, उसका ये शिलान्यास तक नहीं कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।